Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic is Law of Conservation of Mass of Chemistry. Hey students, how are you all? I hope you all are fine. Children, today we are going to start chapter 3 of your science class 9, that is Atoms and Molecules. Okay, so first I have to write the heading of the chapter. Atoms and molecules. Okay. Now, in first and second chapter in previous lectures, we studied that matter is made up of small particles. Okay. अब जब ये समझ में आ गया कि matter जो है वो small particles से मिलकर बना होता है, तो यहाँ से एक नई story शुरू होती है, that is divisibility of matter. Okay, divisibility of matter, it means we can divide matter into small particles. And on continuous division, if we have a piece of any substance and we continuously divide that substance, at the last we get smallest particle to which further division is not possible. For example, आपने एक paper लिया और आपने उसके दो piece किए, फिर उसमें से एक पीस को अगेन आपने और पीसेस में किया, तो कंटिन्यूसली अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो एट द एंड आपको वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ से स्टोरी आपकी शुरू होती है डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर की. एक्चुअली चिल्ड्रन, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा नई नहीं है. इट स्टार्टेड फ्रॉम 500 BC. ये जो स्टार्टिंग हुई थी मैटर की डिविजिबिलिटी की, ये 500 BC से स्टार्ट हुई थी. और इस पॉस्टुलेट में, और वी कैन से कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है, ना सिर्फ फॉरनर साइंटिस्ट का बल्कि इंडियन साइंटिस्ट का भी उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू गो अ लिटिल बिट बैकवर्ड इन फ्लैशबैक. हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में हिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं. एक्चुअली इन 500 BC देयर वर साइंटिस्ट दैट आर महर्षि कनत. इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कनत. उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि जो मैटर है वो डिविजिबल है. ओके, यानी कोई भी सब्सटेंस, इधर इट वुड बी प्रेजेंट इन गैशियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, इट डजेंट मैटर, बट जो भी मैटर है वो क्या होता है, डिवाइड हम उसको कर सकते हैं. ओके, एंड ऑन कंटिन्यूस डिविजन एट द एंड वी गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. It was told by Maharshi Kanat in 500 BC, and he gave a particular name to these particles. उन्होंने जो smallest particle था matter का उसको एक particular नाम दिया, और वो नाम उन्होंने क्या दिया, that is परमाणु. So first we have to write down that in 500 BC Indian scientist Maharshi Kanat, okay, Maharshi Kanat ने ये बताया कि जो मैटर है वो डिविजिबल है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु. ओके, परमाणु, अगर हम इसको ध्यान से देखें, परम प्लस अणु मीन्स स्मॉलेस्ट, परम मीन्स सबसे, अणु मीन्स छोटा, परमाणु परम प्लस अणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है. क्लियर. अब इसी के सीक्वेंस के अंदर हमारे एक और इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज कात्यायन, KATYAYA कात्यायन. ओके, कात्यायन जो साइंटिस्ट थे, पाकुदा कात्यायन इनका पूरा नाम था. इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं. इनका जो थ्योरी थी, उन्होंने ये थ्योरी जो दी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ये नेचर में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, so now here we received two concepts, that smallest particle is परमाणु, and these परमाणुस are present in the nature in combined form. Okay, so for that concept of कात्यायन, that these परमाणु are present in combined form. ओके, अब ये तो हमारी बात हुई इंडियन साइंटिस्ट की. एट द सेम टाइम इज पैरेलली
ग्रीक में और वेरियस मींस वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के अंदर भी साइंटिस्ट जो है वो इस मैटर की स्टडी कर रहे थे कि एक्चुअली मैटर की नेचर क्या है और मींस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैटर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू मैटर रिएक्ट्स विद ईच अदर. सो साइंटिस्ट जो है वो अपनी डिस्कवरी में लगे हुए थे. सो इन द सेम ईरा मींस 500 BC में ही एक और साइंटिस्ट थे, दैट इज ल्यूकिपस एंड डेमोक्राइटस. There are two scientists, Leucippus and Democritus. These two are Greek scientists. वो भी स्टडी कर रहे थे. अब ये जो Leucippus और Democritus थे ये एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट थे. Leucippus is teacher and Democritus is student. इन्होंने सेपरेटली जो है स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि मैटर डिविजिबल है. वही सेम बात इन्होंने बताई दैट मैटर इज डिविजिबल एंड व्हेन वी डिवाइड कंटिन्यूसली डिवाइड अ गिवन सब्सटेंस अ गिवन मैटर देन एट द एंड वी गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टू व्हिच इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्दर डिवाइड एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल दे नेम एज एन एटोमोस. ओके, सो हियर द वन मोर टू मोर साइंटिस्ट दैट इज ल्यूकिपस एंड Democritus. इन्होंने क्या बताया? That smallest particle of matter is atomos. Okay. अभी atomos it is a Greek word and एटोमॉस से ही फर्दर कंटिन्यूसली चेंजेस होते होते नाउ वी गेट दैट इज एटम. एटोमॉस मीन्स स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. एटोमॉस मीन्स स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल एंड नाउ इससे एटोमॉस से क्या बना? एटम. ओके, अब यहाँ तक हमें ये पता चल गया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम. अब भाई साइंटिस्ट ने एटम्स पे स्टडी शुरू कर दी, एटम्स पे डिस्कवरीज रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया कि भी एटम की नेचर क्या है, ये किस नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एटम जो है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो क्या उन एलिमेंट्स के सभी सब्सटेंसेस के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सो एट द एंड एक्चुअली व्हेन दे डिस्कवर्ड वन मोर पॉइंट दैट व्हेन द ल्यूकिपस एंड Democritus, they told that matter is made up of small particles and these are called as atomos. तो उस समय इनकी discovery पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. बहुत ज़्यादा ध्यान यूँ नहीं दिया गया कि उस समय जो बहुत famous scientist थे that is Aristotle. तो Aristotle की theories कुछ different थी. तो लोगों ने सोचा कि that is not a confirmed concept और ये तो ऐसा ही है, मतलब इतना कुछ हो गया. उसके काफ़ी सालों बाद डॉल्टन ने जो है वो सेम थ्योरी प्रपोज की. डॉल्टन ने सेम थ्योरी प्रपोज की एंड देन देयर वर्क वुड बी रिकॉग्नाइज. और इतने सालों के बाद 1700 एरा के अंदर जो है वो इनका काम जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, ल्यूकिपस और डेमोक्रेटस ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था. एंड द फर्दर The Dalton proposed theory, that is Dalton's atomic theory. उन्होंने एटम पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस किए, बहुत ज़्यादा मीन्स प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने पर्टिकुलर पॉस्टुलेट पर्टिकुलर थ्योरी की एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज Dalton's atomic theory. ओके, अब Dalton atomic theory के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जानते हैं कि जो ये एटम्स हैं. अब एटम्स के बारे में अगर पता चल गया हमें तो अब जो नेक्स्ट क्वारी थी मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस इज टोटली बेसिकली रिलेटेड विद व्हाई, व्हेन एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाट हैपेंड. सो इन सब जो जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उन सब वर्ड्स से मिलकर ही साइंस बना. तो अब एटम के बारे में पता चल गया तो साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि एलिमेंट्स के जो है एटम्स वो सेम होते हैं या नहीं होते, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट हैं या सेम हैं, ये आपस में किस तरीके से कंबाइन करके वेरियस जो है कंपाउंड्स बनाते हैं. तो तब तक इसका पूरा कोई नॉलेज नहीं था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ओनली ऑन अ सिंगल वर्ड दैट इज एटम देयर वर सम ऑफ द लॉज प्रपोज्ड, मीन्स कुछ लॉज प्रपोज किए गए
to know more about these atoms, and these laws are called as laws of chemical combination. Okay, in जो laws था उनको एक particular नाम दिया गया और उसे बोला गया laws of chemical combination. अब इसके अंदर जो first law हम study करेंगे that is law of conservation of mass. Okay, that is similar to the law which you have studied in physics also. So the first law that is related with atoms means smallest particle of matter is law of conservation of mass. So first is law of conservation of mass, and this law is also known as law of indestructibility. This law is also known as law of indestructibility. So we have to write this one. Okay, now what is this law? According to this law, in an isolated system, okay, according to this law, mass, in very simple words, mass cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, or we can say that mass remains constant during a reaction that is had in isolated system. Okay, in isolated system. Okay, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, अगर हम किसी और चीज की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स उसका एनवायरमेंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम. रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम यू विल लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें टोटल मास जो है वो कभी भी ना जो है वो चेंज नहीं होता. इट मीन्स मास रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. इट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके दो बेसिक मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास जो है वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा. दिस लॉ टेल्स अबाउट दिस वन. बट इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैट इन सम ऑफ द केसेस द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू दैट एनर्जी आल्सो. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी आल्सो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड इफ एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट. मीन्स तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो वहाँ पर सिर्फ ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. अदरवाइज सब जगह अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रिक्टिबिलिटी. ओके, मीन्स जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. Indestructibility means matter को destroy नहीं किया जा सकता. Now let us try to understand this law with the help of some of the examples. अब examples की requirement है. So first one is that the first example, when we heat mercury oxide, means I'm just writing the names of these compounds because how to make the formula this we will learn in our upcoming lectures. So mercury oxide is a compound. Okay, when we heat this mercury oxide we get two substances. जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें दो substances मिलते हैं. Okay, first is mercury and second one is oxygen gas.
सिस्टम. सो इफ वी टेक 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड, अगर हमने इनिशियली 100 ग्राम मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें जो ऑक्सीजन गैस मिलती है दैट इज 7.4 ग्राम. ओके, 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड दैट इज 7.4 ग्राम. एंड व्हाट्स अबाउट द मर्क्यूरी दैट इज 0.6 एंड 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन. हमने वर्ड में लिखा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, मीन्स केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस हियर. दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस टू आर प्रोडक्ट्स, ये दोनों हो गए प्रोडक्ट्स. नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ जस्ट कैलकुलेट. Reactant mass is given 100 gram and product mass is 6 plus 4, 10, 7, 8, 9, 10, 1, 9, 10, 100 gram. That is equal. Okay. Now, let us take one more example of this one. That is, if we heat calcium carbonate. Okay. 100 gram of calcium carbonate aapne liya. One more example. Calcium carbonate. Okay, if we take 100 gram of calcium carbonate, then in this process, we get carbon dioxide 44 grams, okay, and calcium oxide. The name of this is calcium oxide 56 gram, okay. Now, this is the reactant and these two are products, and this reaction is also known as thermolytic decomposition. These two reactions are called as thermolytic decomposition, means when we provide heat to any substance and it will decompose into two or more substances. अगर किसी भी चीज़ को गर्म करने पर वो दो या दो से ज़्यादा substances में breakdown हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, thermolytic decomposition or thermolysis. Again, we have to calculate. The mass of reactant is 100 gram and the mass of product is 4 plus 6, 10, 5 plus 4, 9 and 1, 10, 100 gram. Okay, it means mass of reactant is equal to mass of product. So, this law proves. Okay, and law of conservation of mass, it was given by Lavoisier scientist. Who has given this law? That is Lavoisier. In 1774, this law was given by Lavoisier in 1774. Okay. So, if we watch these reactions carefully, अगर हम इन reactions को बहुत ध्यान से study करें तो हम ये पाएंगे कि जो mass है वो तो constant रहता है. ये तो हमें लॉ से पता चल गया. इट मीन्स व्हाट एक्चुअली हैपन इन केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस में एटम्स की रीशफलिंग होती है. एम आई राइट? एंड सेकेंड वन, सम ऑफ द ब्रेक्स आर ब्रोकन, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या, दैट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स रीअरेंज ही हुए, मर्क्यूरी ऑक्साइड से मर्क्यूरी और ऑक्सीजन बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. सो बेसिकली हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, CaCO3. ओके, अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ एटम्स का एक रीअरेंजमेंट होता है. एंड सेकेंड थिंग, सम ऑफ द बॉन्ड्स ब्रोकन, मीन्स कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उनके प्लेस पर कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ कम टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हम कुछ एग्जामिनेशन के से रिलेटेड भी, मीन्स किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, दैट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी with the help of one example. It depends on the marking or weightage of the question. Second, who proposed law of conservation of mass? One mark question, clear. The next thing is that
any of the paragraph is given in which any chemical reaction is given in word form. Why I am talking about the word form? इस जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपके पास जो है वो वर्ड फॉर्म की ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसका रीज़न ये है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड यू डोंट नो हाउ टू मेक फॉर्मूला एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मूला, व्हाट इज द एटम मीन्स फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये सभी आपको नहीं पता. हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस की वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स मिक्सचर्स होमोजीनियस हिट्रोजीनियस ये पढ़े. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्यूरिकुलम यू डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल कंपाउंड्स केमिकल फॉर्मूलाज, ये अभी आपको नहीं पता है. तो इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली वर्ड फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस वन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज द न्यूमेरिकल. व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate reacts with 15 gram of acetic acid, okay, then 18 gram of residue is formed with evolution of carbon dioxide gas. Calculate the amount of CO2 released. Clear children? This is the question. Now according to this, how can you solve this question? Just try to understand the points of these one. First, you need to recognize that what are reactants and what are products. Ab ye chemical reaction hai. Most of the students know the formula of sodium hydrogen carbonate and acetic acid. Okay. But if you don't know the formula, doesn't matter. कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं आता है ना सही. आपको फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज वॉट आर रिएक्टेंट्स एंड वॉट आर प्रोडक्ट्स, बिकॉज ओवरऑल आंसर जो है वो सिर्फ इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, सो दिस इज one of the reactant and this is one of the reactant. We have two reactants here. So what you need to do, that you need to write sodium hydrogen carbonate plus acetic acid. These two are reactants. If you know the formula, then you can write the formula, because being a chemistry student, you have to write the formula, means you have to use more and more formulas. But अगर आपको नहीं आता है, इसके कोई marks नहीं कटेंगे, आपको सिर्फ simply ये लिखना है sodium hydrogen carbonate plus acetic acid. Now in this reaction, one residue is formed. So this is the compound. This is the product. This is one of the product, residue, and evolution of carbon dioxide. This is the second product. According to the language of the question, two reactants are there and two products are there. Okay, so I can write here residue. I don't know the name of the product, so I can write directly residue. If you know the name of the product, then you can write. Okay, plus carbon dioxide. Clear? Very simple numerical, but you have to read the question. Actually, it is the starting of chemistry. Ninth में जो है वो chemistry as a particular subject की तरह आ जाता है. एट तक भी आप पढ़ते हो मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर, बट वो एक कॉमन साइंस में चलता है. बट नाइन ऑनवर्ड्स जो है एज अ पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. तो जब केमिस्ट्री में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो कंपाउंड्स के नेम हैं वो स्टूडेंट्स के जो दिमाग है उसमें एक फोबिया क्रिएट कर देते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, कि बहुत मुश्किल है लर्न करना, मैम कैसे नाम होते हैं. सो डोंट जस्ट डोंट अलाउ टू क्रिएट दैट फोबिया. आप अपने अंदर किसी भी तरीके का डर नहीं डेवलप होने देंगे. ओके,
The chemistry is really very simple, really very interesting. And one more thing, children, that chemistry is the only subject in science which is 100% scoring. आपने सही किया है, 100% मार्क्स मिल गए. एंड इन दिस वन बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड. 3 लाइन का क्वेश्चन है और आंसर जो है हमारा बहुत ही सिंपल है. ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स रेजिड्यू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 6.3 ग्राम, क्लियर. एसिटिक एसिड 15 ग्राम, वेरी सिंपल. ओके, इट गिव्स रेजिड्यू, वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, सो लेट इट बी टेक एक्स ग्राम. एंड दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस 18 ग्राम, सॉरी इट्स 18 ग्राम इज गिवन. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एक्स ग्राम्स. ओके, सिंपल मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन. ओके, सो 15 + 6.3 दैट इज इक्वल टू 21.3 ग्राम्स इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स. टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्स, इसको यहाँ लेके आए 21.3 माइनस 18 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड. ओके, सो चिल्ड्रन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट कार्बन डाइऑक्साइड वेट इज गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी गिवन हो और आपको सिर्फ ये लॉ प्रूव करना है. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इज यू नीड टू आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स वेरी एक्यूरेटली. ओके, सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. एंड वॉट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन only rearrangement of atoms takes place, some of the bonds will be break down and some of the new bonds will form in this in a chemical reaction. So this is all about today. In our next class, in our next lecture, we will just know more about the various laws such as law of constant proportion, law of multiple proportion. So till then, thank you for watching. Do like, share and subscribe the video if you liked it. And videos related to this are shared in your end screen on your screens.